रत्न त्रय जिन मंदिर द्वारका दिल्ली में महाशांति धारा एवं निशुल्क भोजन वितरण करने वालों के लिए चांदी की नमोकार माला। कौन बनेगा पुण्यपति? आज का प्रश्न, नमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं हैं? ए 55, बी 63, सी 58, डी 7। ग्यारह फरवरी 2021 का सही उत्तर है डी, आचार्य विद्यानंद जी। बंधु सादर जय जिनेन्द्र। दिनांक 11 तारीख को हमारे पास शांति धारा में 13 परिवारों के एवं आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्णा योजना में 5 परिवारों के नाम आए हुए थे। हमने सभी परिवारों से प्रश्न पूछे और हमारे पास 9 परिवारों के सही उत्तर प्राप्त हुए। अब मैं रत्नत्रय जिन मंदिर कमेटी के मंत्री संदीप जी पाटनी जी से निवेदन करूंगा, आप इन सभी कॉइन को इसमें डालिए और इसको अच्छे से हिला करके कोई एक कॉइन निकालिए और कैमरे के सामने दिखाएंगे। हम देखते हैं आज पार्श्वनाथ भगवान का विशेष आशीर्वाद स्वरूप नमोकार मंत्र की चांदी की माला किस परिवार को प्राप्त होती है। नंबर इधर दिखाइए, कौन सा नंबर 15 निकला हुआ है। हम अपनी लिस्ट पर चेक करेंगे 15 नंबर पर किन परिवार का नाम दिया हुआ है। पंकज जैन जी दिल्ली निवासी वालों का नाम दिया हुआ है। इन परिवार को बहुत बहुत अनुमोदना एवं पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में रखी हुई यह नमोकार मंत्र की चांदी की माला उन परिवार को पहुँचाई जाएगी और यह मंदिर जी द्वारा शांति धारा कराने पर एवं अन्नपूर्णा योजना कराने पर यह प्रशस्ति पत्र भी उन परिवार तक पहुँचाया जाएगा। जय जिनेन्द्र। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। महानुभाव, संसार उसका नाम है जिसको देख करके हम खुश होते हैं, उससे प्राप्त होने वाली वस्तु उसका नाम संसार है जी। आप जिसको देख करके खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसी से आपका संसार बनता है, इस बात को ध्यान रखना। आप कभी कभी किसी मकान को देख के खुश होते हैं, किसी की गाड़ी को देख के खुश होते हैं, किसी के शरीर को देख के खुश होते हैं, या किसी वस्तु को देख करके, किसी व्यक्ति को, इससे आश्रय होता है, इससे बंद होता है और यही बंद आपके कर्म बन जाते हैं और फिर वो उदय में आते हैं और आपका अगला संसार प्रारंभ हो जाता है। जब हमें किसी को वस्तु या व्यक्ति को देख करके न दुख हो और ना ही किसी प्रकार का खुश हो, बस समता का परिणाम हो, वहाँ से हमारा संसार का अंत होने लगता है। अर्थात जहाँ वीतराग परिणाम प्रकट होने लगते हैं, वहाँ से हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है, मोक्ष का प्रशस्त मार्ग प्रारंभ हो जाता है, जहाँ हम अपने मुक्ति की राह में चलने लगते हैं। यही भगवान महावीर स्वामी ने सिखाया है। आप कपड़े से मोह कर रहे हो, कपड़े को देख के बहुत खुश हो रहे हो, तो आपको कपड़े बार बार मिलेंगे। आप भगवान को देख कर खुश हो रहे हो तो आपको भगवान मिलेंगे। आप गुरु को देख के खुश हो रहे हो तो आपको गुरु मिलेंगे। हाँ, ये जो खुशी है वो आपके लिए मोक्ष मार्ग में कारण बन सकती है, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो आपके परिणाम हैं, राग है, अनुराग है। लेकिन भोगों के प्रति जो आपका राग अनुराग है, वह नियम से वह आपका दीर्घ संसार का कारण होता है। महानुभाव, हम जिन मंदिर इसलिए जाते हैं अपने राग अनुराग को कम करके वीतराग परिणाम को प्रकट करें। दिल्ली का सुप्रसिद्ध रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका, जहाँ पर भूगर प्रकृत पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं और जिनके दर्शन करने मात्र से हमारी कर्म कालिमा नष्ट हो जाती है। आप सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि घर बैठे भी शांति धारा, महाशांति धारा करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं। आज हमारे महानुराग जिन्होंने महाशांति धारा कराई है और जो आचार्य विद्यानंद महाराज जी के नाम से जो जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन चल रहा है उससे जुड़ रहे हैं, उन सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपका जीवन स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे, संयममय रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। अपना नाम शांति धारा में शांति मंत्रों के साथ शांतिपूर्वक सुने। आइए आज अभिषेक शुरू करते हैं। ओ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरेहं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जिनं सिञ्चामि ते स्वाहा।
आइए आज की व्रत शांति धारा प्रारंभ करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौं मं पापं खण्डे खण्डे हन हन दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरं जं जीं छीं हं जं जं पाछां छीं छूं जं छ छीं रां रीं रं रं रा द्रां द्रीं द्रावै द्रावै नमो रते भगवते श्रीमते। ठाठा अस्माकम्। आज हमारे पास शांति धारा में 13 परिवारों के नाम आए हुए हैं एवं आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्णा योजना में 6 परिवारों के नाम आए हुए हैं। इन परिवार में सदैव सुख शांति समृद्धि एवं मन्नत वाले बाबा का आशीर्वाद बना रहे ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से नाम है तुषार जी पाटनी, संदीप जी पाटनी, अंकुर जी जैन सा परिवार रोहिणी निवासी, सुख शांति दुस्वासलावार्थम, श्रीमती शैली देवी वाइफ ऑफ श्रीमती नवल किशोर जी किरठल बागपत निवासी एवं श्रीमती सुरेखा जी वाइफ ऑफ प्रदीप जी उस्मानपुरा अहमदाबाद निवासी स्वास्थ्य। इन परिवार की 51 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। प्रवीण कुमार जी जैन ग्रीन पार्क दिल्ली निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम, इन परिवार की 51 दिन शांति धारा चल रही है। शकुंतला जैन जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु बिमांचल जी महावीर सुधा मनन निकिता छावड़ा विज्ञान नगर कोटा निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम, इन परिवार की 51 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। रचना जैन जी पुत्र सचिन जैन जी मयूर विहार दिल्ली निवासी सीए परीक्षा सफलता हेतु, इन परिवार की 21 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। सुमेर मल जी नर्मदा देवी अजय रिंग अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्य भव्य समस्त चुरीवाल परिवार कोलकाता निवासी स्वास्थ्यवर्धम, इन परिवार की 21 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। श्रीमती विमला देवी पूजा पारस मनीष कुमार जयपुर निवासी स्वास्थ्यवर्धम, इन परिवार की 7 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। श्रीमान फतेहलाल जी इंद्र कुमार महेश अशोक राजेंद्र अंकुर जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार जयपुर निवासी, इन परिवार की 21 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। नंद किशोर जी मीना देवी काठमांडू नेपाल निवासी स्वास्थ्यवर्धम, इन परिवार की 51 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। अल्पा जैन जी सुधीर जैन जी विधान चौधरी तनिष चौधरी अटलांटा यूएसए निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम सुख शांति हेतु, इन परिवार की 3 दिन की शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। अलका जैन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अशोक कुमार जैन प्रताप नगर जयपुर निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम, सुदेश जैन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में छतरपुर दिल्ली निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम, श्रीमती शांति देवी छावड़ा वाइफ ऑफ राम जी लाल जी जैन छावड़ा गीजगढ़ निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। ओम सर्व शांति धारा करता करने वाले देश विदेश में टीवी के सामने बैठकर देखने वाले हम सकल जैन समाजस्य सर्व जीवस्य श्रीरस्तु समृद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु सुखमस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा संतु सद्धर्म श्रीवलायु आरोग्य स्वरि वृद्धिरस्तु स्वाहा एवं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व निर्णार्थम श्रीमत अरत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत पार्श्वनाथ तंग्राय श्रीमद्रत्न रूपाए दिव्य तेज मूर्ते प्रभा मंडल मंडिता है श्री द्वादश गढ़ सहिता है नंद चतुर सहिता है समापसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिता है अष्टादश दोष रहिता है षट चत्वारिंशत् गुण सहिता है परमेष्ठी परम पवित्र है सम्यक ज्ञान है स्वयं भूभे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तिलोकमहिताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकाशपदाय तिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धनेन्द्र बड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रथम संगोप सर्ग विनाशनाय गाति क्रम छयंकराय अजराय अव्वाय सर्व शांति धारा करता करने वाले देश विदेश में टीवी से बैठकर देखने वाले हम सकल जैन समाजस्य सर्व जीवस्य व्याधिं गणन्तो व्याधिं गणन्तो व्याधिं गणन्तो। श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परिक्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व छामडामर विनाशनाय सर्वार्य शांतिकराय। ओम राम ह्रीं ब्रह्म स्याउस नमः हमम सर्वविघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चाकुरु कुरु स्वाहा। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र तुंगे भाग्य सवारा हृदय कमल में वास करो मां सिर पर मेरे हाथ धरो मां मनी मेरा रो भवानी मूरत तेरी लगे सुहानी परमावती मां पदम सहाना पूजे सब राजा राणा पदम हृदय पद्मासन सोए पदम रूप
पंकज मोहे महामंत्र की मिला जसरा नारूर के बार उतारा पारसनाथ हुए उपकारी जय जय करे नरे नर नारी। श्री रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका दिल्ली में महाशांति धारा एवं निशुल्क भोजन वितरण करने वालों के लिए चांदी की नमोकार माला। कौन बनेगा पुण्यपति? आज का प्रश्न, नमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं हैं? ए 55, बी 63, सी 58, डी 7। जवलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। महानुभाव, हमारे सत्यन जैन धर्मानुरागी जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जल मंत्री हैं और जो धर्म से युक्त हैं, जैन समाज से जुड़े हुए हैं और दिल्ली में अनेक अच्छे कार्य कर रहे हैं, 21 फरवरी के महामस्तकाभिषेक में उन्होंने अपना सानिध्य देने का अपनी स्वीकृति दी, ऐसा हमारी कमेटी ने बताया। बहुत बहुत सत्यन जी को मेरा मंगल आशीर्वाद है। और भी अनेक IAS, IPS, IRS इस सभा में पहुंचने वाले हैं और श्रेष्ठीगण विद्वत जन भी इस प्रोग्राम में पहुंचेंगे। हमारे स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति पीठाधीश हसनापुर, वो भी उनके कुशल निर्देशन में यह कार्यक्रम प्रोग्राम होने जा रहा है। हमारे प्रमोद जैन वर्धमान जो इस कार्यक्रम के महोत्सव अध्यक्ष हैं और प्रधान जी शरद कासलीवाल, पवन गोधा, अरविंद और भी हमारी जितनी भी टीम है, ये सभी लोग इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, मेरा सबको आशीर्वाद है। आज हमारे धर्मानुरागी इन्होंने आज शांति धारा कराई और उनका जो पुण्य है वह प्रकट हुआ भगवान का दिव्य आशीर्वाद स्वरूप में। आपके लिए मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है, आप इसी तरह से धर्म से जुड़े रहें। रत्नत्रय जिन मंदिर में आचार्य विद्यानंद पूर्णतः जो भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है, आज उसमें 6 परिवार के नाम आए हुए हैं। श्रीमती शैली देवी वाइभव नवल किशोर जी करेठल बागपत निवासी एवं श्रीमती सुरेखा वाइभव प्रदीप कुमार जी उस्मानपुर अहमदाबाद निवासी। इन परिवार का 7 दिन के लिए अन्नपूर्णा जो चल रही है। पंकज जैन, पूजा जैन, कौशल जैन, मास्टर मिहिर जैन, मास्टर मिथिल जैन दिल्ली निवासी, इन परिवार की 1 माह के लिए अन्नपूर्णा जन चल रही है। प्रवीण कुमार जैन ग्रीन पार्क निवासी, इन परिवार की 51 दिन अन्नपूर्णा जन चल रही है। पारुल जी, अदम जी ब्यावर्सघाट को उपलक्ष्य में उमा ऋतु रोहित आदित्य आरती की ओर से सैनिक फार्म दिल्ली निवासी, इन परिवार की 3 दिन अन्नपूर्णा जन चल रही है। अल्पा जैन, श्री सुधीर जैन चौधरी, विधान चौधरी, तनिषा चौधरी अटलांटा USA निवासी, इन परिवार की 3 दिन अन्नपूर्णा जन चल रही है। श्रीमती शांति देवी छावड़ा वाइफ ऑफ राम जी लाल जी जैन, कमल कुमार, सुनील कुमार, विपिन, नितिन, मितुल जैन समस्त छावड़ा परिवार गीजगढ़ निवासी, इन परिवार को बहुत बहुत अनुमोदना एवं आने वाले रविवार के दिन मंदिर जी में 24 तीर्थंकर दीप आराधना रखा हुआ है। जिस परिवार को अपनी ओर से दीप आराधना करानी हो बस शीघ्र नाम देकर के धर्म लाभ ले सकते हैं। जय जिनेन्द्र। बंधु सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है, रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका दिल्ली का सुप्रसिद्ध मंदिर है, अतिशय क्षेत्र है जहाँ पर लोगों के दुख दूर होते हैं। आप भी यहाँ पर अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर या फिर विवाह वर्षगांठ हो या घर पर किसी की पुण्यतिथि हो या कोई भी शुभ मंगल कार्य हो, यहाँ पर आप शांति धारा करा सकते हैं, जिसकी 1 दिन की राशि शांति धारा की मात्र 1100 रुपये है, 7 दिन की मात्र 5100 रुपये, 21 दिन की मात्र 11000 रुपये एवं 51 दिन की मात्र 21000 रुपये है। एवं आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्णा है जो भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है, निःशुल्क भोजन वितरण चल रहा है, उसकी 1 दिन की राशि मात्र 2100 रुपये, 3 दिन की राशि मात्र 5100 रुपये एवं 7 दिन की राशि मात्र 11000 रुपये है। इसमें आप यहाँ पर करा करके धर्म लाभ ले सकते हैं। जय जिने। श्री रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका दिल्ली में महाशांति धारा एवं निशुल्क भोजन वितरण करने वालों के लिए चांदी की नमोकार माला। कौन बनेगा पुण्यपति? आज का प्रश्न, नमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं हैं? ए 55, बी 63, सी 58, डी 7। इस प्रसारण के पुण्यार्जक परिवार हैं रजनी वाइफ ऑफ श्री शरद राज कासलीवाल वर्धमान एयरपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, प्रीति वाइफ ऑफ श्री पवन जैन गोधा अरिहंत ट्रांसपोर्ट शक्तिनगर दिल्ली, श्रीमती राजबाला जैन वाइफ ऑफ श्री जय भगवान जैन पीतमपुरा दिल्ली मैसर्स बूटाराम जय भगवान जैन, संगीता वाइफ ऑफ अजय जैन मॉडल टाउन दिल्ली,